हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ईवीएस क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर इन ईवीएस, चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एयर अराउंड अस। एयर मतलब होती है हवा, ठीक है, हमारे आसपास जो हवा है। आज हम लोग हवा के बारे में, एयर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एयर मतलब जो हवा है वो हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है। वी कैन नॉट सी और टच इट। अच्छा, अब जो एयर है उसे हम लोग देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। एयर हैज़ नो टेस्ट और स्मेल। एयर की ना कोई टेस्ट है ना कोई स्मेल है। बट वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स। पर जब हवा चलती है तो हम उसे फील कर सकते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। विंड क्या होता है? चलती हुई हवा को कहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ठीक है। वी फील मूविंग एयर। अब हम लोग विंड को फील कर सकते हैं। कीप योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ। अब आपको क्या करना है? आपका हाथ आपके माउथ के सामने रखना है। नाउ ब्लो ऑन योर हैंड। अब आपके हैंड पर आपको फूंक मारनी है, ब्लो करना है। यू फील द एयर ऑन योर हैंड। अब आपको फूंक मारने के बाद, मतलब ब्लो करने के बाद, आपको कुछ एयर फील हुई होगी अपने हाथ पर। यू ऑल्सो फील एयर व्हेन यू फैन योर सेल्फ विथ अ हैंड फैन। जब आप अब हैंड फैन का यूज़ करके, जैसे सेकंड पिक्चर में एक बच्चे ने हैंड फैन का यूज़ करके ब्लो की है एयर और वो फील कर सकता है एयर को, वैसे ही आप हैंड्स को, अपने हैंड को माउथ के आगे रख के जब ब्लो करेंगे एयर अपने हाथों पर, तो आपको एयर फील होगी, ठीक है। वो एयर मूविंग एयर होगी। वी फील मूविंग एयर। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वर्किंग टेबल फैन। अब स्टूडेंट्स, टेबल फैन होता है वर्किंग टेबल फैन, उसके सामने जाके आपको खड़े हो जाना है। डू यू फील द एयर ऑन योर फेस। वर्किंग टेबल फैन मतलब जब वो टेबल फैन चल रहा हो, मतलब स्टार्ट किया हुआ हो, उसके सामने आपको खड़े होना है। क्या आपके फेस पे आपको एयर फील हो रही है? यस, यू कैन फील एयर व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ वर्किंग टेबल फैन। जब आप वर्किंग टेबल फैन के आगे खड़े होंगे तब भी आपको एयर फील होगी, ठीक है। जैसे ये पिक्चर में ये गर्ल को एयर फील हो रही है। एयर टेक्स अप स्पेस। अब एयर जगह भी लेती है। टेक अ बलून। आपको एक बलून लेना है, ब्लो एयर इन टू इट, उसके अंदर आपको एयर फिल करनी है। व्हाट हैपन्स, क्या होगा? द बलून बिकम्स बिगर। अब जो बलून होगा एयर के भरने से वो बड़ा हो जाएगा। व्हाई? द एयर दैट वी ब्लो फिल्स अप द बलून। अब जो एयर उसमें गई, उसने पूरे बलून को फिल किया, ठीक है। एयर टेक्स अप द स्पेस इनसाइड द बलून। इससे पता चला कि बलून के अंदर जो एयर है उसने पूरी स्पेस ले ली। This shows that air takes up space. अब देखो, first में है a balloon with very little air in it. जब हम लोगों ने उसे blow नहीं किया, उसके अंदर थोड़ी सी air present थी, तो वो कैसा दिखता है? जब इस बच्चे ने air blow की इस balloon के अंदर, और अब आप second picture में देख सकते हैं कि balloon filled with air, वो कैसा दिखता है? तो इससे पता चलता है कि जो air है वो space को take up करती है। एयर हैज़ वेट। एयर का भी वेट है। टेक टू आइडेंटिकल फुटबॉल्स। अब आपको दो सेम फुटबॉल्स लेने हैं। फिल एयर ओनली इन वन फुटबॉल। अब आपको सिर्फ दोनों में से एक ही फुटबॉल में एयर फिल करनी है। पुट बोथ द फुटबॉल्स ऑन अ बैलेंस। अब आपको तराजू पर दोनों फुटबॉल रखने हैं। यू सी द फुटबॉल विथ एयर इज़ हैवियर देन अ फुटबॉल विदाउट एयर। अब आपको दो फुटबॉल लेने हैं सेम, और एक में एयर फिल करनी है और एक में नहीं करनी है। दोनों को आपको तराजू, मतलब बैलेंस पर रख देना है।
अब आप देख सकते हैं कि जो फुटबॉल है जिसमें एयर फिल की गई थी वो हैवियर है दूसरे फुटबॉल के मुताबिक, और वो लाइटर है जिसमें एयर फिल नहीं की है। दिस शोज़ दैट एयर हैज़ वेट, मतलब हम लोगों ने एयर भरी और वो हैवियर हो गया, मतलब एयर का भी वेट है। अब एयर की ज़रूरत की वजह से हमको पानी की ज़रूरत है, नीड ऑफ वाटर है, वैसे एयर की ज़रूरत है, हर किसी को एयर की ज़रूरत है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, हमें एयर की ज़रूरत क्यों है? सांस लेने के लिए। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, हम लोग एयर के बिना नहीं रह सकते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स टर्न द फैन ऑफ अ विंड मिल, अब जो विंड्स जो आती है मूविंग एयर जो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और ताकतवर होती है वो विंड मिल के फैंस को भी चालू कर देती है घुमाना, इतनी स्ट्रांग होती है जो। विंड्स हेल्प टू सेल बोट्स एंड मूव ग्लाइडर्स, अब विंड की हेल्प से हम लोग जो बोट है वो भी सेल कर सकते हैं और ग्लाइडर्स भी मूव होते हैं। विंड्स हेल्प इन फ्लाइंग काइट्स, विंड से हम लोग पतंग भी उड़ा सकते हैं। एयर हेल्प्स इन बर्निंग, एयर के थ्रू हम लोग जला भी सकते हैं, बर्निंग के लिए काम आती है। एयर कैन बी फिल्ड इन टू मैनी थिंग्स, और एयर बहुत सारी चीज़ों में फिल हो सकती है। एरोप्लेन्स हेलीकॉप्टर्स एंड हॉट एयर बलून्स नीड एयर टू फ्लाई, अब ये तीनों चीज़ें जो एरोप्लेन्स है, हेलीकॉप्टर्स है और हॉट एयर बलून्स हैं, उन्हें एयर की ज़रूरत है उड़ने के लिए। अब जैसे था कि एयर कैन बी फिल्ड इन टू मैनी थिंग्स, जैसे कि फुटबॉल में हो रही है, स्विमिंग ट्यूब में एयर फिल हो सकती है और साइकिल ट्यूब में भी एयर फिल होती है। अब जैसे ये विंड मिल है, स्ट्रॉन्ग विंड्स के थ्रू ये विंड मिल जो है वो पूरा घूमने लगता है, ये बोट जो है वो सेल होने लगती है, ग्लाइडर्स में भी काम आती है एयर मूव करने के लिए। फ्लाइंग काइट्स, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर और हॉट एयर बलून को भी एयर की ज़रूरत है, मतलब हर एक लिविंग थिंग, हर एक चीज़ को एयर की ज़रूरत है। एयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, एयर इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रीथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।